शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये क्या कर रही हो प्रिंस को? मेरे बच्चे को मार रही हो? मुझे सुपर वुमन दीदी ने टेक कर दिया। 48 घंटे दिए थे तुम, अब इसमें से सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। गौरव, माई को सारी सच्चाई बता दो। ये गौरव माई से इतना छुपकर कैसे बात कर रहा है? उर्वी कैसी है अब? तो हम उर्वी से मिलने आ सकते हैं ना? जी ठीक है। उर्वी? गहना, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? ये पूर्वी कौन है? का ऐसे चुप का खड़े हो? कौनो बात छुपा रहे हो का हमसे? तुम पहले ये बताओ कि ये तुम यहां रुक रही हो ना? बात हो गई तुम्हारी माई से? हम बात करने ही वाले हैं उनसे। तो जब बात हो जाए तब हमका बता देना। शहर के कोने कोने में पोस्टर लग जाने चाहिए, प्रचार में कोई कमी ना हो। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। और बिटिया, इतने बड़े दिन की सारी तैयारियां हो गई? आप ही की बेटी हूँ पापा। और आपको तो मेरी जिद का पता है, हार मुझे बर्दाश्त नहीं, और ये डील मुझे ही मिलनी चाहिए। अच्छा पापा, इटली से ना मुझे इस प्रेजेंटेशन के लिए कुछ फैब्रिक मंगवाना है, तो पैसे चाहिए। बस इतनी सी बात, जितनी रकम चाहिए ले लो। बेटा तुम हमारी उत्तराधिकारी हो और हमें पूरा विश्वास है कि तुम हमारा नाम रोशन करोगे। ये रहा ब्लैंक चेक, जो रकम भरनी हो भर लेना। पापा यू आर द बेस्ट। टिंडा नाम रोशन करेगी ये टेलर, और हमारा बेचारा पति जो इनके लिए दिन भर अपनी नस कटवाता रहता है वो किसी को नहीं दिखाई देता। नहीं भरनी हमें तुम्हारी मांग, नहीं करना हमें ये गौना। अरे नहीं मानते हम बचपन की उस शादी को, हम ये रिश्ता नहीं निभा सकते कहना। नहीं, हम इसको नहीं जानते, हमारा कोई रिश्ता नहीं है इसके साथ में। पूर्वी कैसी है अब? पूर्वी से मिलने आ सकते हैं ना? अरे अरे, किसके ख्यालों में कोई हो कि तुम ये हॉट पतीला सी नहीं हो रहा है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो गलती से हो गया। गहना, हम भी इसी वर्ल्ड में रहते, कल बॉन्ड नहीं हुए। इंसान तभी होता है जब वो किसी के लव में हो। लेकिन मेरी बात लिसन करो, तो प्यार व्यार के झंझट में ना ही पड़ो तो ही अच्छा है। किसी का लव पूरा नहीं होता है, क्योंकि मैंने टाइम्स दो तोता मैना के बीच में एक कबूतर आ ही जाता है। कहीं तुम्हारी लव स्टोरी में कोई कबूतर तो नहीं आ गया ना?
मैना बन के किसी कबूतर का ड्रीम तो नहीं देख रही हो ना? लेकिन गौरव भी तो किसी दूसरी लड़की पूर्वी श्रिया? तुम बस बैठकर टीवी देखो और कुछ नहीं होगा तुमसे। फंस गए हम तुमसे शादी करके, जिंदगी ना गड्ढे में जा रही है हमारी। ऐसी बदकिस्मत और फूटी किस्मत लेकर जीने से अच्छा है कि हम खुद ही अपनी नस काट लें। अरे हुआ क्या श्रिया, बताओ तो इतने गुस्से में क्यों हो? अरे बैग पैक करने कहाँ जा रही हो? मायके जा रहे हैं। मायके क्यों? क्योंकि नहीं रहना हमें ऐसे पति के साथ जिसकी खुद के घर में ही कोई इज्जत ना हो। और एक वो है हमारी दर्जी ननद, उन्होंने जरा से पैसे क्या मांग लिए ससुर जी से, पूरा चेक दे दिया, सारी की सारी तिजोरी खोल के रख दी। और एक ये हैं उनके सपूत, जिनसे ना तो ससुर जी के सामने ना कुछ बोलने की हिम्मत होती है ना कुछ मांगने की। अरे हिम्मत हिम्मत तो छोड़ो, जब वो सामने आते हैं इनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, सांसें फूलने लगती हैं, आवाज तो खाक निकलेगी। मेरी गदाधारी भीम, शांत हो जाओ शांत। इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं, हमें थोड़ा सा समय दे दो, हम पापा से काम की बात करने की कोशिश करते हैं, बस थोड़ा सा समय मांग रहे हैं। लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। आज तो गौरव को जवाब देना ही पड़ेगा। कोनो बात नहीं, ये कमरे की तलाशी हम ही ले लेते हैं, यहाँ वो लड़की के बारे में हमें कुछ पता तो चलेगा। आखिर कौन वो पूर्वी, कहाँ छुपा रहा है गौरव हमसे? छुपा रहा है हमसे, हे माते, मैं कुछ तो संकेत दे दी, मदद करिए हमारी। जो कुछ भी हो जाए गहना, तुम चाहे कहीं भी चली गई हो, पर दुल्हन दुल्हन तो तुम हमरी ही बनोगी, देख लेना। बहुत प्यार करते हैं तुमसे। भैया जी कहो कहो, अभी नहीं गहना, गहना, अरे कहाँ है गहना? गहना को ले लेके आए ना तुम? कहाँ है गहना? वो जा रही है भैया जी। अरे
खोज जा रही है तुमरा खोज जा रही है अभी तक। चलो एक काम दिया था तुमको, हमरा दिन ब दिन चाल निकले जा रहा हूँ बिना। तुमरा खोज जा रही है अभी तक, कोनो काम के नहीं हो रहे तुम चले तुम अंदर जाके। जब तक होगा पता ना चले अपना शक्ल मत दिखाना हमको, वरना ऐसे ही जिंदा मार देगा तो का। बस एक बार हमको भनक भी लग गई ना गहना कि तू कहाँ, कसम महादेव के बालों से पकड़ कर घसीट कर तो कहा ना लेकर आए ना, तो हमारा नाम भी तेजा नहीं है। गौरव गौरव हमका सच सच बताओ, क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? हम क्या छुपा रहे हैं? वो लड़की पूर्वी, कौन है वो लड़की? पूर्वी की फोटो है ना? तुम जासूसी कर रही हो हम पर? और कौनो रास्ता छोड़े होगा तुम गौरव? बताओ हमका कौन है इल्की? चुप काहे हो गौरव? कहीं लड़की की वजह से ही तो तुम हमारे साथ गौना करने के लिए मना नहीं किए? गौरव जवाब दो हमका, ये नए रिश्ते की वजह से, अपने सारे पुराने रिश्तों से, अपने फर्ज से, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह काहे मोड़ लो गौरव? बताओ हमका काहे कर रहे हो ऐसा? हम तुम्हारी कोई बात का जवाब नहीं दे सकते गहना। कौन है ये लड़की बताओ ना हमका। ठीक है गौरव, हम तुम्हारी एक चुप्पी समझ गए, अब तुमका कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गए हम। अब हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकेंगे, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। गहना तुम क्या कर रही हो, हमें गलत समझ रही हो तुम, और तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम हम पर हर हक बहुत पहले ही खो चुके हो गौरव, जब अपनी किस्मत की लकीरें किसी और के साथ ही जोड़नी थी तो बता देते ना पहले हमका, हमारे जज्बातों के साथ इतना खिलवाड़ करने की क्या जरूरत थी? काहे किया ये सब तमाशा? नहीं नहीं हम नहीं, हम गलती तो हमरी है। हाँ हमरी गलती थी कि हम तुम्हारे इंतजार में बैठे रहे, हम ये भूल कैसे गए कि जो सहारा देता है वो ये सबसे पहले बेसहारा कर देता है। कि नहीं अब ना गौरव, हम तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे, अब माई को सब सच हम खुद बताएंगे, कहेंगे हम माई को कि पुराने रिश्तों को खोखला करके गौरव नए रिश्ते की नींव पहले से ही बांध चुका है। कोई दिलचस्पी नहीं है गौरव को हमारे साथ गौना करने में, हमको अपनाने में। कहना हमारी बात तो सुनो, ये क्या कर रही हो?
तुम जैसा समझ रही हो वैसी बात नहीं है गहना, एक बार कहने सुनने के लिए कछु बाकी नहीं है। कोनो दरवाजा तुमने खुला नहीं रखा है गौरव। गहना एक बार हमारी बात तो सुन लो, एक बार ये फोन नहीं सुनने, तुम्हारी बात है हमें माई से बात कर रही है। बस करो यार, हमारा कोई चक्कर नहीं चल रहा है इस लड़की के साथ में। ये लड़की कोई और नहीं, हमारी बहन पूर्वी दीदी है। उन्हें तुम तारा दीदी के नाम से जानती हो, उनका रजिस्ट्री में नाम पूर्वी है। और कितना गिरोगे कौन? अरे अपनी स्वर्गीय दीदी को तो छोड़ दो, उनके नाम पे काहे कलंक लगा रहे हो तुम? अपने आंखों में इतनी तो शर्म रख दो। शर्म की वजह से आज तक ये सच्चाई हमने सबसे छुपाई। दुनिया के लिए भले ही दीदी इस दुनिया में नहीं है, पर असल में वो जिंदा है, अस्पताल में है। दीदी के दिमाग की हालत ठीक नहीं है गहना, एक दिमागी बीमारी है जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। दिमाग 12 साल की उम्र में आके अटक गया, जिसका इलाज बहुत महंगा है गहना, और इसलिए हम पैसा कमाने के लिए उतावले हैं। इस नौकरी के लिए इतना बेताब है कि हम चाहकर भी इसे खो नहीं सकते हैं। हम दीदी को एक उनकी जिंदगी वापस लौटानी, और इसलिए हम नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। दीदी का दर्द और उनकी हालत हमसे देखी नहीं जाती है, पिछले इतने सालों से वो इस तकलीफ को बड़ी बात तुम हमसे छुपा गए। कहा हम इस लायक भी नहीं कि तुम अपना ये दर्द हमसे बांट सको। अकेले इन सब में जूझते गए गौरव, कितना पराया कर दिएगा हमका। मजबूरी की वजह से अपना मुंह सिल रखा था गैर, चाहे कुछ भी कर लेते, लेकिन अगर ये सच किसी और को बताते तो कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करता। उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे गहना, हमारे बापू की मजबूरी कहां किसने समझी थी। दीदी के इलाज के लिए पैसे का इंतजाम करना चाहते थे वो, अपनी बेटी को बचाने के लिए चाहते हुए भी उन्हें पैसों के लिए चोरी करनी पड़ी, और लोगों ने उन्हें बुरा और खराब इंसान समझ कर, उन्हें चोर समझ कर हमारी आंखों के सामने बहुत मारा। अब तुम ही बताओ गहना, ये सब जानते हुए हम कैसे दीदी को सबके सामने लाके उनका मजाक उड़वा सकते थे। इसलिए हमने ना चाहते हुए भी छुप रहना बेहतर समझा। तुम दोस्त कहते हो गौरव, लेकिन मानते नहीं। अगर रत्ती भर भी तुम्हें अपनी दोस्त पर विश्वास होता ना, यूं अकेला नहीं तड़पते। भरोसा है इसलिए तो आज हिम्मत करके इस सच तुम्हें बता पाए हैं गहना। मैं इतने सालों से इस दर्द को खुद ही झेले जा रहे थे, इतने साल से अपनी बहन को इस दर्द में तड़पते मचलते देखते जा रहे थे। हमारी मजबूरी देखो कि हम अपनी बहन को इस तकलीफ से आजाद नहीं करवा पाए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। पर अब हम थक गए हैं गहना, अब इस दर्द को हम अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकते गहना, इसलिए प्लीज हमारा साथ दो, हमें एक दोस्त की जरूरत है, प्लीज हमारा साथ दो गहना। तुम मेरा अथक, तुम प्रयास हो, सब कुछ मेरे पास है।
जिंदगी की कश्तियों से लड़ना और हर रिश्ते के लिए कुछ कर गुजरने की अहमियत कहना को है वो समझते हैं हम। तुम्हारी मुश्किलें में तुम्हारी दोस्त तुम्हारा साथ देगी। हर पल हर वक्त हर कदम पर हम तुम्हारा साथ देंगे को। और अब हम दोनों मिलकर पूर्वी दीदी को ठीक करेंगे। अगर बचपन का वादा भूल गए का बोले बुद्धू किसी आई बिल्ली हमारी ये शर्त है कि अगले 48 घंटे में माई को सारा सच तुम खुद बताओगे। कहना वो 48 घंटे में अम्मा को फोन इसकी कोनो जरूरत नहीं। सही वक्त आने पर हम दोनों माई से बात कर लेंगे। इसका मतलब तुम यहाँ? हाँ, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। हमारी बात समझने के लिए थैंक यू कहना। कागजों के फैसले तो सिर्फ अदालत में चलते हैं ना। हम गौरव के आंखों के हर फैसले मान चुके हैं। अभी हमारे गौने की खुशी से ज्यादा गौरव का दुख बहुत बड़ा है। मेरी दीदी के दिमाग की हालत ठीक नहीं है गैना। एक दिमागी बीमारी है जिसको मेनिनजाइटिस कहते हैं, जिसका इलाज बहुत महंगा है गैना। इसलिए हम पैसा कमाने के लिए उतावले हैं। और हम उसका साथ देंगे। अभी गहना गौरव से अपनी दोस्ती निभाएगी, उसे इस बीच मझदार से बाहर निकालेगी। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।